अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ खास देखने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि क्या वाकई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फिक्स हुई थी। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो वो लोग जो ये कहते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फिक्स हुई है, इनका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक नाकस क्रिकेट टीम है, वो इंग्लैंड और इंडिया जैसी मायानास क्रिकेट टीमों को शिकस्त नहीं दे सकती। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम जारहाना बैटिंग करती है, मगर पाकिस्तान से मद्दे मुकाबल मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने बहुत मुहतार रहते हुए बैटिंग की और ये मैच लो स्कोरिंग थ्रिलर हुआ और ये मैच पाकिस्तान आसानी से जीत गया। मगर जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 200 से 250 के दरमियान रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या खास किया। जी हाँ नाज़रीन, एलेक्स हेल जो कि पावर प्ले में अपनी गलत शॉट की वजह से आउट हो गए थे, वो दरअसल ये शॉट को ओवर द कवर खेलना चाहते थे और शुएब मलिक के हाथों में ये गेंद थमा चुके थे। दोस्तों, बेस्टो जो कि बार बार हसन अली की बॉल्स पर स्ट्रगल कर रहे थे, मगर रिस्क लेते हुए आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, जोय रूट जो थे वो शदाब खान की गेंद पर एज लगने की वजह से आउट हो गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच इसी तरह बढ़ता जा रहा था। उस पाकिस्तान की इंग्लैंड से फतह का राज डॉट बॉल्स थे। पाकिस्तान के कोचेस और बाउलर्स की मुंसलिका राय के मुताबिक पाकिस्तान की टीम जब डॉट बॉल इंग्लैंड क्रिकेट टीम को जब डॉट बॉल नजर आएंगे तो वो खुद ब खुद अंडर प्रेशर हो जाएंगे और आउट होने लगेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एवन मॉर्गन भी ज़्यादा डॉट बॉल खेलकर शॉट मारने की कोशिश में आउट हुए। इन तमाम चीज़ों में हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टीम एफर्ट नजर आती है और उन हर प्लेयर की हमारे लिए हिम्मत अमीर नजर आती है। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त दी। इसमें कोई फिक्सिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टीम एफर्ट की वजह से दोस्तों ये मैच जीता। इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में मुकदमे मुकाबले हुए। मुखालफीन का दावा है कि इस मैच में भी फिक्सिंग है, मगर दोस्तों मैं ये साबित कर सकता हूँ कि ये मैच बिल्कुल मयार के मुताबिक हुआ। इंडियन बाउलर्स ने अपनी हसबे मुतफीक बॉलिंग की, मगर सवाल ये है कि मुखालफीन कहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जानबूझकर आउट हुए, मगर मैं ये सिर्फ ये एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने मोहम्मद आमिर का इंडिया के खिलाफ एशिया कप का मैच याद देखा हो जिसमें मोहम्मद आमिर ने इंडिया के टॉप ऑर्डर को आउट किया था, तो आप ये सिर्फ कहना काफ़ी है कि रोहित शर्मा इस बार भी उसी तरह आउट हुए। दोस्तों, ये वही मोहम्मद आमिर था जो पूरी हिकमत अमली से बॉलिंग कर रहा था और कभी इन स्विंग करता और कभी आउट स्विंग करता, और इंडियन टीम का टॉप ऑर्डर किस तरह मोहम्मद आमिर ने तबाह करने में कामयाब हो गया। दोस्तों, विराट कोहली के मैच के बाद बयान के मुताबिक इनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हमें खेलने के काबिल ही नहीं छोड़ा, इन्होंने इसके लिए आउट प्लेट का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये तमाम बातों से एक ही बात साबित होती है कि पाकिस्तान टीम ने अपनी अंथक मेहनत की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीती। मेरी आपसे इल्तमास है कि किसी भी किस्म की फिक्सिंग की बात मत कीजिए। हमारी ये जीत मुखालफीन से बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।